Настя! Настя, Настя, हमारे 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये! सब मेरे कारण हुआ। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं, मेरे कारण हुआ। ये मेरी वजह से हुआ। मेरे, नहीं। चलो देखते हैं हम दोनों में से कौन अच्छी सलाह देता है। तुम्हें ये ब्लॉगर पता है? ठीक है, चलो चलें। नौ अंक। एक अंक, एक सलाह। मेरी तरफ से पहली सलाह, अपने असली विचार के साथ आओ। पहली सलाह, अपनी खुद की असली कहानी के साथ आओ। जैसे कि नास्ते और उसके पापा ने अपनी जिंदगी की कहानी बताने के बारे में चुना, जैसे यात्राओं के बारे में, स्कूल के बारे में, दोस्तों के बारे में और एक दूसरे के साथ मेल जोल के बारे में। अच्छी सलाह थी, शुक्रिया। मेरी बारी। ठीक है, दूसरी सलाह डैडी की तरफ से, एक कैमरा लाओ। दूसरी सलाह, तुम्हें कैमरा चाहिए। तुम्हें शुरू में ही महंगा कैमरा खरीदने की कोई जरूरत नहीं। तुम किराए पे ले सकते हो या दोस्तों से ले सकते हो। नास्ते और उसके डैड फोन पे ही वीडियो बनाते हैं। अच्छी बात है। कोई बात नहीं, मैं ज्यादा अच्छा बताऊंगी। सामान तैयार रखो। तीसरी सलाह, प्रॉप्स यानी वीडियो का सामान तैयार रखो। प्रॉप्स खुद से भी बनाए जा सकते हैं। प्रॉप्स बनाने में समय लग सकता है और ये आपके आइडिया पर निर्भर करता है। इन्हें बनाना आसान या मुश्किल हो सकता है, ये आपकी मर्जी है। अगर प्रॉप्स बनाना संभव नहीं है तो आप किसी भी अच्छी जगह पर जाकर शूट कर सकते हैं, जैसे कि कोई पार्क, चिड़ियाघर, बागीचा, कोई कैफे या दुकान। जहाँ कहीं भी नास्ते और डैड थे और उनके पास प्रॉप्स नहीं थे, वो मजेदार जगहों पर गए। यूट्यूब के नियमों का पालन करो। चौथी सलाह, एक यूट्यूब ब्लॉगर को जो सबसे जरूरी चीज करनी चाहिए वो है बच्चों के कंटेंट के लिए नियमों का पालन करना। याद रखना, जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो दूसरे लोग उससे प्रेरित होकर वही करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए कोई खतरनाक चीजें नहीं। वीडियो में बुरा व्यवहार, गुस्सा और दूसरों की बेइज्जती दिखाना बिल्कुल मना है। कोई भी हिंसक दृश्य सख्त मना है। कम मिठाई, ज्यादा फल, ब्रश करना और नहाना धोना हाँ, गंदे होकर घूमना नहीं, पेड़ से कूदना नहीं और आग से भी नहीं खेलना। देखो कि YouTube के नियमों का पालन करने के लिए नास्ता क्या कर रही है। सबसे जरूरी, वीडियो ऐसी बनाओ कि बच्चे अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ उसे शेयर करना चाहें। वीडियो एडिटिंग। पांचवी सलाह, अपनी वीडियो में कूल इफेक्ट्स डालना मत भूलना। देखो कि लाइक नास्तिया की टीम ये कैसे करती है। और कॉपीराइट के बारे में मत भूलें। याद रखें, अगर किसी और का म्यूजिक अपनी वीडियो में इस्तेमाल करना है तो पहले उनकी इजाजत लें। अब तुम क्या कहोगे? मुझे पता है क्या कहना है। ट्रेंड को फॉलो करो। छठी सलाह, फॉलो ट्रेंड्स। आपकी नीश में आपके दोस्त और ब्लॉगर्स जो कर रहे हैं उसे फॉलो करो। और जरूरी नहीं कि आप सिर्फ फॉलो ही करें, आप ट्रेंड्स बना भी सकते हैं। किसी और की नकल मत करो, आपकी ताकत आपके अनोखेपन में है। सही तरह से वीडियो डालो। सातवीं सलाह, सही तरीके से वीडियो डालो। वीडियोस अपलोड करने की सबसे जरूरी चीज है नियमशीलता। वीडियोस नियमित समय पर, एक, दो या तीन दिन के अंतर पर डालनी चाहिए। नाम और वीडियो का वर्णन करो ताकि लोगों को पता चल सके कि वीडियो है किस बारे में, और ऐसी फोटो डालें जिससे पता चल सके वीडियो किस बारे में है, और लोगों को गुमराह ना करें क्योंकि ये मना है। भूले मत कि फोटो चमकदार और आकर्षक हो। एनालाइज। आठवीं सलाह, एनालाइज। YouTube में बहुत से उपकरण हैं जिनसे ये जानने में मदद मिलती है कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। जरूरी है कि एनालिटिक्स को फॉलो करें और परीक्षण करने से डरे नहीं, और YouTube के क्रिएटिव स्टूडियो में हर परीक्षण के एनालिटिक्स को ध्यान से समझें। चार। मैं जीत जाऊंगी।
अब आखिरी नंबर रह गया। मुझे नहीं पता, कुछ पक्का नहीं है। अपनी टीम बनाओ। हम एक बहुत अच्छी टीम है। हाँ। नौवीं सलाह, एक टीम बनाएं। दोस्तों या रिश्तेदारों को अपने प्रोजेक्ट में बुलाएं। एक टीम के साथ आप जल्दी सफलता हासिल कर सकते हैं, जैसे कि लाइक नास्तिया का कंटेंट बनाने के लिए कम से कम 50 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर, एडिटिंग टीम, डबिंग टीम, एनिमेशन टीम, मैनेजर और मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, प्रॉप्स और सहायक। हालांकि ये सब शुरू हुआ इन तीन लोगों के परिवार से, नास्तिया, डैड और मॉम। तो ठीक है डैड, हमें वीडियो मेकर चाहिए अपनी वीडियो बनाने के लिए। बढ़िया। दोस्तों क्या नास्तिया से जुड़ना चाहते हो? लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 1, 2, 3। तुम हमें प्रेरित करते हो। शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो। चलो जाकर मजे करें। ला ला ला, कितना सही है यहाँ। चलो मजे करें। देखो यहाँ पड़ोसी भी हैं। होटल में रहने का पहला नियम, शांत रहो और दूसरे लोगों को तंग मत करो। ठीक है। हम यहाँ मजे कर सकते हैं। दूसरा नियम, सब कुछ साफ रखो। अगर कुछ गंदा भी हो जाता है तो उसे बाद में खुद से साफ कर दो। ये। बहुत अच्छे, चलो बाहर चलते हैं। बतखें कितनी क्यूट होती हैं। फूल ये कितनी सुंदर है। मैं एक ले लेती हूँ। नहीं। तीसरा नियम, कोशिश करो कि फूल ना तोड़ो। अगर सभी रहने वाले सिर्फ एक ही फूल क्यों ना तोड़े, तब भी सारे फूल खत्म हो जाएंगे। देखो एक फूल। नहीं। चौथा नियम, तालाब में पत्थर मत फेंको, क्योंकि वो गंदा हो सकता है या टूट सकता है। ठीक है डैडी, मैं समझ गई। डैडी थोड़ा आराम करते हैं। ठीक है। जाने का समय हो गया। पर मैंने बुक पूरी नहीं की। मैं ले जाती हूँ। पांचवा नियम, तुम वो सामान होटल से बाहर नहीं ले जा सकते जो कि होटल की संपत्ति है। ठीक है। तौलिया, मैं इसे रख लेती हूँ। नहीं, ये भी होटल की संपत्ति है। ठीक है। नहीं, ये भी होटल का सामान है। होटल में हमेशा ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो इस्तेमाल के लिए मुफ्त होती हैं और तुम उन्हें ले जा भी सकते हो। हाँ, ठीक है, ये काम के हैं। शुक्रिया। छठा नियम, होटल से निकलने से पहले याद से लाइट और पानी बंद कर दो। होटल के नियम, देखते हैं।
तुमने सभी नियमों का पालन किया, इसलिए ज्यादा पैसे नहीं देने होंगे। ये देखो नास्त्या, हमने सभी नियमों का पालन किया। एक बार दोबारा देखते हैं, कहीं हम कुछ भूल तो नहीं गए। शायद हाँ, मेरा बनी या मेरा बनी। जाने से पहले हमेशा दोबारा चेक करो। बाय बाय बाय।